देखिए, सबसे पहले तो प्रयागराज सहित प्रदेश में जो आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक हमारे प्रदेश परिवार के कई सदस्यों का दुखद निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। दूसरा, जो प्रदेश के अंदर रोजगार की एक तरह से कह लीजिए कि आंधी पैदा करने का काम हम लोग मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के अगुवाई में कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका लक्ष्य एक ही है कि जो हमारा गरीब मजदूर बेरोजगार है, जो काम कर सकता है, जो काम हम दे सकते हैं, उसके रास्ते खोले हैं और उसके आधार पर लोगों को जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति भी होगी और प्रदेश के लिए जो काम किए जाने की आवश्यकता, विकास किए जाने की आवश्यकता है, विकास को भी गति मिलेगी। जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और सरकार जो प्रयास कर रही है उस प्रयास को और गति देने में हमें सुविधा होगी और न्यायालय में जाने का सभी को अधिकार है, लेकिन जो पूरी ईमानदारी से दृष्टि डालेगा, देश के अंदर डालेगा, दुनिया के अंदर डालेगा, तो देश के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना से निपटने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चुनौती थी उस चुनौती से निपटने का काम हम लोग मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में करने में सफल हुए हैं। तो यह भाजपा की सरकारें जहां हैं वहां अच्छे से काम करने का प्रयास हुआ, उसी का परिणाम है कि अब विस्तार नहीं लेने पाए। दो कारण उसका मैं मानता हूं। एक तो बड़ा कारण यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है लोगों के अंदर, ठीक ठाक है। दूसरा, हमारी सरकार की तैयारी और व्यवस्थाएँ भी बहुत योग्य ढंग से की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्तर प्रदेश में इसको देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बाद भी विस्तृत होने से रोकने में अभी तक हम कामयाब हैं और उम्मीद है कि आगे भी कामयाब रहें। सर, कानपुर शेल्टर होम का जो प्रकरण था उस पर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से फेसबुक पर टिप्पणी की थी उसको लेकर एक उनको नोटिस जारी किया गया था आयोग द्वारा, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो जो है इंदिरा जी की जो है नातिन है या पोती है, तो इस तरह के वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की जो तिकड़ी है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, या तीनों में यह मानता हूँ कि सत्ता के बिना जैसे अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, उसका बिना पता किए जो बिना सिर पैर की बातों को शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में इनको ही परेशानी होती है। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार का ट्विटर में ट्वीट करने या किसी प्रकार का बयान देने से पहले सोचना चाहिए। ये सोचते नहीं हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के अंदर ही अराजकता पैदा है इन तीनों लोगों को लेकर के, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो सच है, देश के सामने चुनौती है, तो राहुल गांधी जी रोजाना जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं कांग्रेस की सरकार के समय में, उससे चंदा लेने का काम किए हैं, वह चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा प्रयोग करते हैं, जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उस पर सवाल खड़े करने का काम करते हैं, जब धारा 370 हटती है, श्री राम जन्मभूमि का फैसला आता है, उस पर ये टिप्पणी करते हैं। तो मैं यह मानता हूँ कि सत्ता के बिना कांग्रेस का नेतृत्व अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है, इसके कारण से यह उलूल जुलूल के बयान देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे चीन की शरारत का जवाब देने का मामला हो, इस पर पूरा समर्थन में खड़ा है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो शानदार काम किया है, हमारे यहाँ सबसे अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश परिवार के सदस्य, चाहे वो मजदूरी करने वाले रहे हों, चाहे उद्योग चलाने वाले रहे हों, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने सेवा दी है वो आए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे प्रदेश में निश्चित तौर से आज की तिथि में हम कह सकते हैं कि उन प्रदेशों की तुलना में हालत बहुत बेहतर है, जहाँ पर संक्रमण बढ़ जाना चाहिए था उसे हम रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी यह आपदा है और इस आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अभी तो लेवल 1 पे हैं, हम लेवल 2 और लेवल 3 तक के लिए तैयार हैं। आदेश जारी किए गए हैं और पूरा कृषि विभाग इसके लिए प्रयत्नशील है और उनके कैसे उससे नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जो दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था वह भी किया गया है किसानों में जागरूकता पैदा करके कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का टिड्डियों के आक्रमण की आशंका है वहाँ ध्वनि वर्धन करके और उनको भगाने की दृष्टि से भी योजना बनी है। सभी चुनौतियाँ जो भी आती हैं उससे निपटने का पूर्व से ही प्रयास किया जाता है
और प्रत्यक्ष रूप से वो दिखता है जब ऐसी कोई समस्या आती है।